नमस्कार मैं वसुधारा कैसे हैं आप सब हाँ इंडिया में अब ऐसा कंट्रोवर्सी चल रहा है जो हिजाब के बारे में और मैं ये इंफॉर्मेशन आई वुड लाइक टू शेयर भिजाना चाहती हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एंड ऑल द स्टेट्स एंड ऑल द सीएम्स इन द कंट्री दिस कंट्रोवर्सी इज़ मीनिंगलेस इज़ बेसलेस

अगर लोग जो रास्ते पे खड़े होते हैं छोटी छोटी बच्चियों पे तेरह साल बारह साल ग्यारह साल बच्चियाँ जो उतरते हैं बस स्टॉप में अपने स्कूल से निकलते हैं और जाते हैं स्कूल बस स्टॉप से उतर के ऐसे ऐसे गंदे बदतमीज़ इंसान खड़े होते हैं जो खुद एक बाप होता है खुद एक नाना हो सकता है या दादा हो सकता है या चाचा हो सकता है ऐसे गंदे गंदे गलीज़ बातें बोलते हैं लोग बच्चियों पर जिसको समझ में नहीं आता है ये क्या बोल रहे हैं अगर ये बच्ची थोड़ी बहुत फिगर आती है या बुजम्स आते हैं या जो बॉडी स्ट्रक्चर चेंज होता है होने वाला होता है ऐसे बच्चों पे ऐसे इंसान ऐसे कमेंट्स डालते हैं कि ये बच्चियों को समझ में नहीं आता मगर डर जाते हैं दूसरे साइड के रोड क्रॉस करके घर जाते हैं वो कचड़ा भी रहन दो कचड़े से बाजू से रिस्क लेके जो गाड़ियाँ आ सकते हैं और मार सकते हैं फिर भी ये बच्चे वहीं से जाएंगे क्योंकि इस तरफ की दुनिया इतनी गंदी है कि वो समझते हैं कचड़ा अच्छा है तो कचड़े से बाजू से जा सकते हैं कचड़ा गंदी बदबू देती है मर गंदे बातें नहीं बोलती हैं मगर जो इंसान खड़ा है और लोग सोचते हैं कि उसके पास इंसानियत है मगर उसकी दिल में इतनी कचड़ा और गलीज इंसानियत होती है कि ये बच्चों को उस तरफ से अच्छा कचड़े के तरफ से जाना अच्छा लगता है तो अब सोचिए अगर इस्लाम में जो अपने लड़कियों को अपने लड़कियों को भिजाना चाहते हैं अपने स्कूल्स को वहाँ तक अगर बुरका डाल के गेट के अंदर के बाद जाने के बाद बुरका उतार सकते हैं और क्लासेस अटेंड कर सकते हैं जब वन टू ट्वेल्थ स्टैंडर्ड तक बोले तो एक ही स्कूल में अगर वन टू ट्थ है उस स्कूल में बच्चियां अगर जाना चाहते हैं हिजाब पहन पें सकना पहनना चाहिए और उसके अंदर जा सकते हैं फिर हिजाब निकाल सकते हैं और जाके सीधा क्लास को जाते हैं क्योंकि वो है वी आर गिविंग दैम रेस्पेक्ट वो उनकी मज़हब को रेस्पेक्ट कर रहे हैं उनकी रेगुलेशन्स को रेस्पेक्ट कर रहे हैं उनकी इस्लाम में जो उनके वालिद वालिदा या खानदान में जो स्ट्रिक्ट है बोलते हैं कि अगर तू पढ़ना चाहती है तो हिजाब पहन के ही जाना पड़ेगा अगर अपने देश में प्रधानमंत्री मोडी साहब बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी को भिजाओ आ? तो आप सोचिए अगर यही इस्लाम में जो फॉलो करते हैं मुस्लिम पॉपुलेशन बच्चियों को स्कूल में नहीं भिजाएंगे तो कहाँ से पढ़ेंगे और कहाँ से बढ़ेंगे ये सोचिए आप चलो अगर जब सयानी हो जाएगी या अगर स्कूल से वन टू ट्वेल्व एक ही स्कूल में है अगर थर्टीन इयर्स के बाद हिजाब पहनना चाहती हैं स्कूल के गेट के अंदर जाने के बाद हिजाब निकाल सकती हैं क्योंकि सब बच्चे जानते हैं यू नो दे नो इचा अदर एक को एक फ्रेंड्स होते हैं जब गेट से बाहर निकल रहे हैं हिजाब पहन के बाहर निकल सकते हैं इस तरह उनके वालिद वालिदा उनके ख़ानदान या इस्लाम में जो मानते हैं रूल्स रेगुलेशंस वो जायज़ हो जाएंगे फिर उसके बाद अगर वो इंटरमीडिएट बाहर पड़ेगी तो वहाँ वो बुरका पहन के वहाँ तक जा सकती है फिर वहाँ अंदर जाने के बाद गेट के अंदर बुरका निकाल के क्लास को अटेंड कर सकती है जब एटीन इयर्स इज़ एज टू गेट मैरिड इन इंडिया ओके जब वो बच्चियाँ यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो एटीन इयर्स होंगे अगर वो बच्चियाँ वहाँ तक बुरका पहन के अंदर जाने के बाद अगर बुका बुरका उतार के अगर हिजाब पहन के जाना होता है तो वो जायज़ है क्योंकि अगर उसको शादी करना है अच्छे ख़ानदान में जाना है उनके मज़हब को फॉलो करना है तो सोचिए ये बच्ची अगर ये सब फॉलो नहीं करेगी उसको रिश्ते आएंगे उसकी शादी होगी ये भी सोचिए तो ये सब आप सोचिए यू कैन पुट रिस्ट्रिक्शंस की गेट के अंदर तक वेन दे एंटर यू शुडा लव बुरका एंटर होने के बाद वो बुरका उतार के अगर इफ दे आर अबाउ एटीन एंड ट्वेंटी सेवन विच इज मेडिकल कॉलेज या इंजीनियरिंग uh, कॉलेज भी हो सकता है डिग्री कॉलेज भी हो सकता है अगर ये सब जाएंगे वो इन दैट फेज ऑफ एटीन टू ट्वेंटी सेवन देन दे शुड बी अलाउड टू वेयर देअर हिजाब टू गो अटेंड हिजाब में तो शक्ल दिखेगी ही दिखेगी बट उसको बॉडी अगर ढकना है तो हिजाब ढक सकते हैं मगर बुरका कॉलेज के अंदर पहुंच जाने के बाद उतारना ही पड़ेगा तो ऐसे रूल्स रेगुलेशन लगाना जायज है क्योंकि अगर बेटी पढ़ाओ और बढ़ाओ और बिजाओ तो ये तो करना ही पड़ेगा भारत देश में अगर भारत माता बोलते हैं अपन तो माताओं की बेटी को बचाना ही पड़ेगा ना मैं तेरह साल की बच्ची थी सोलह साल तक समझ में ही नहीं आया था कि ये मैं कचड़े के तरफ से क्यों जा रही थी ये मेरा ही एक्सपीरियंस है किसी और की भी नहीं है इंसान उस तरफ खड़े होते मैं कचड़े के तरफ से जाती थी और मेरे वालिद पुलिस वाला था मेरा नाना मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट था इतनी सिक्योरिटी में भी जब मैं शॉल शॉपिंग जाती थी सेवेंटीन इयर्स को एक बदतमीज लड़का बदतमीजी करे तो मैं गला पकड़ के मारी थी अगर इतनी सिक्योरिटी में मैं एक बंदा इतनी बदतमीजी कर सकता है बिना सिक्योरिटी के लड़कियां कितने घूम रहे हैं इंडिया में जिनके वालिद कोई पुलिस अफसर नहीं है ना लॉयर है ना बहुत सारे हैं जो पॉलिटिशियन नहीं है जो बस में भी जाते हैं ऑटो में भी जाते हैं रिक्शे में भी जाते हैं बच्चियों को और दुआ मांगते हैं कि उनकी औलाद वापस सेफ घर आए अगर ऐसा चीज अगर अपन नहीं करेंगे ये बच्चियां कहाँ बढ़ेंगी वहाँ कहाँ पढ़ेंगी और बढ़ेगी ये सोचिए आप देखिए मैं हिंदू हूँ May I believe in respecting the modesty. Okay, I believe I believe in saving the girls. I believe in securing the girls. But this, this doesn't mean that we provoke young people against another generation of Muslims or another community. बिकॉज वी आर बिल्डिंग द डिविजन इन द स्कूल इट्स अपन स्कूल में ही सिखा रहे हैं कि ये मुसलमान हैं ये हिजाब पहनेंगे तो ये निकालने के लिए एक तरीका है स्कूल के अंदर जाने के बाद आप हिजाब निकाल दीजिए स्कूल के अंदर जाने के बाद या इंटरमीडिएट कॉलेज के अंदर जाने के बाद बुरखा निकाल दीजिए और जाके पढ़िए और अगर एटीन टू ट्वेंटी फाइव या ट्वेंटी सेवन वहाँ कॉलेज के अंदर तक बुरका पहनी है उसके बाद हिजाब पहन लीजिए तो ये रेगुलेशंस कर सकते हैं बट यू कैन नॉट से दैट दे आर नॉट अलाउड टू कम इन विद अ बुरखा बिकॉज यू आर नॉट गिविंग अ गारंटी ऑफ देयर सेफ्टी अगर ये बच्चियां ऐसे जगह में रहते हैं अच्छे भी हो सकते हैं पुअर एरियाज़ भी हो सकते हैं मिडिल क्लास भी हो सकते हैं मैं तो बहुत अमीर जगह में पैदा हुई फिर भी ऐसे बदतमीज़ इंसान जो बाप हो सकते हैं दादा हो सकते हैं चाचा हो सकते हैं ऐसे लोग रोड में खड़े होके एक बच्ची मेरी जैसी बच्ची जब छोटी थी तेरह साल तक तेरह साल की बच्ची थी तब भी मेरे पे वो लोग कमेंट करें ऐसे ऐसे बदतमीज़ बातें बोले बातें बोले कि मेरे को समझ में नहीं आया तो इधर कचड़ा की कचड़े की बदबू आई छोज ओवर कचड़े की कचड़े जैसे इंसान के बाजू से चलना तो अब सोचिए आज मैं बोलती हूँ और एक अगर अपन हिजाब के बारे में या बुर्के के बारे में इतना बोल रहे हैं कल फ्यूचर में कोई आके बोलेगा सरदार पगड़ी नहीं पहनना एक हिंदू लड़की बिंदी नहीं डालना एक ब्राह्मण अपनी झंझम नहीं पहनना अगर एक क्रिश्चियन छोटी सी भी क्रॉस नहीं पहनना इसके लिए भी स्कूल्स मेड एक्सेप्शंस कि सरदार पगड़ी पहन सकता है कंगन वंगन नहीं पहन सकता है हिंदू बच्ची बिंदी नहीं डाल सकती मगर कुमकुम की रेड कलर या ब्लैक कलर पहन सकती टिकली नहीं डाल सकती स्टिकर्स जो डिजाइंस होते हैं क्योंकि बच्चे अंदर डाल सकते हैं कंगन अगर सरदार बच्चा डालेगा वो लेके किसी को मार सकता है या किसी बच्चे को उसको खींच सकता है उसको मार लग सकती है ब्राह्मण की जनजन जन जो थ्रेड है ऑस्पिशियस थ्रेड वो शर्ट के अंदर होता है इसलिए अपन को दिखता नहीं है मगर एक क्रिश्चियन बच्चा बड़ा लॉकेट नहीं पहनना क्योंकि अगर वो स्पोर्ट्स में खेले तो उसको मार लग सकती है लॉकेट से इसलिए छोटा लॉकेट पहन सकते हैं अगर ये सब अगर चेंज कर सकते हो रेगुलेशंस तो हिजाब के बारे में या बुरके के बारे में क्यों नहीं चेंज कर सकते हैं? आप ऐसा अलाव करो कि गे, गेट के अंदर तक जा सके और गेट के अंदर के बाद उनका हिजाब और बुरखा छोड़ के वो क्लास को अटेंड करे अगर प्रधानमंत्री जी ने बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी भिजाओ बोले तो अगर अच्छे अच्छे प्रोफेशंस में यू नो पायलट होन दो जो भी होन दो तो ये भी सोचना पड़ेगा कि अगर प्रधानमंत्री ही सपोर्ट करेंगे बेटियों को तो पूरी दुनिया में जो ये कंट्रोवर्सी रैली चल रहे हैं ये आप सोचिए बंद करना पड़ेगा वेदर द कोर्ट द लैंड ऑफ लॉ ओके लॉ ऑफ द लैंड सॉरी इज टेलिंग यू यू आर नॉट अलाउड देन वी हैव टू क्वेश्चन द प्राइम मिनिस्टर वी हैव टू क्वेश्चन द कोर्ट बिकॉज दिस इज नॉट अप्रोप्रिएट एट ऑल आर वी गोइंग हाउ आर वी गोइंग टू सिक्योर दीज गर्ल्स ड खाम नॉट दैट ऑल इंडियन हिंदू गर्ल्स एंड ऑल आर सो ब्रेव ट्रस्ट मी वी हैव डॉक्टर दिशा बेचारी बच्ची व्हाट है चार चार लोग उसके पीछे पड़ के वो बच्ची को जला डाले बर्बाद करके वो बच्ची की क्या गलती थी कुछ भी नहीं हो सकता है उस वो मजहबे हो सकता है अपने मजहबे भी हो सकता है इंसिडेंट्स यू हैव टू थिंक अगर मॉडेस्टी मेनटेन करना है बच्चियों को रिस्ट्रिक्शंस रेगुलेशंस पढ़ाई में रखिए गेट के अंदर बाद में यू हैव नो कंट्रोल ओवर इट आफ्टर दे क्रॉस द गेट तो ये समझिए आप लोग आई एम बींग अ हिंदू ठॉकिंग लाइक एन इंडियन गर्ल हुज सफर्ड सच एब्यूसि वेज ऑफ मैन स्टैंडिंग ऑन द वर्ल्ड and commenting vulgar words and statements and expressions giving such vulgar expressions to 13 year old girl like me at that age imagine what i would have thought i was so innocent that i didn't even know what they were trying to tell me how do you expect to protect girls when these morons stand on the streets tell me i'm really excited to know this because if you don't change these stupid dumbass uncles or so called assholes standing on the freaking road who are father to their own children and uncles to their brothers or sisters children and grandparents to their grandfathers and grand whatever to their uncles nieces nephew grand nephews and all if you're not going to correct them who the hell is going to save these girls who so trust me this all rally about being you know secular country if you cannot give security by cleaning up the damn streets don't expect and don't vouch that you're going to protect these girls you should understand this it is not one way it is both ways as a hindu girl if i could get on the road being abused vulgarly, do you think Muslim girls will be spared, or Christian girls will be spared, or Sardar kids will be spared, or Jain kids, or Christian kids, or Muslim kids? Think. Think for yourself and decide. Jai Hind Namaskar.